ये है नया बोट एडर 200 प्लस जिस पे आपको 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा, और दोस्तों ये आपको सिर्फ 1000 रुपीज में मिलने वाला है। और गाइज यहाँ पे आपको क्वाड माइक सेटअप वो भी ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ देने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पे आपको जो बीस्ट मोड मिलता है जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाएंगे, 13 mm के आपको ड्राइवर्स देने को मिलेगा और इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी देने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है और दोस्तों यहाँ पे आपको IPX5 की स्वेट रेजिस्टेंस देने को मिलता है जिस वजह से हल्के हल्के पानी के छींटे अगर इसके ईयरबड में गिर जाए या फिर अगर इसको वर्कआउट के टाइम में यूज करते हो इनके ईयरबड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों इस पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देने को मिलेगा, बस 5 मिनट चार्ज करने में आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। दोस्तों अभी ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम में ऑलरेडी ओपन किया गया है, बाकी जल्दी से हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलेगा। आपको यहाँ पे ये टीडीओस मिल जाता है, एक और आपको बॉक्स देने को मिलेगा जिसपे आपको सारा एक्सरसाइज मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सरसाइज देने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साइजेस के ईयर टिप्स देने को मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक टाइप सी की चार्जिंग केबल भी देने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि दोस्तों बोट में आपको बहुत ज्यादा पेपर वर्क देने को मिलेंगे जिसपे आपको एक बोट हेड की स्टिकर देने को मिलेगा और भी बहुत सारे स्टिकर्स देने को मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको एक यूजर मैनुअल इसी बोट एडर 200 प्लस का देने को मिलेगा और ये टीडीओएस में आपको 1 साल की वारंटी मिलेगा। और ये 1 साल की वारंटी को क्लेम करने के लिए जरूर से ये QR कोड को स्कैन करके अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देना। बाकी यहाँ पे आपको एक थैंक यू कार्ड देने को मिलता है, एक FAQ कार्ड देने को मिलता है, एक इनके जो प्रोडक्ट के कैटलॉग है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अगर प्राइस के हिसाब से ये जो बोट एडर 200 प्लस है ये अच्छा है, लेकिन रियल टाइम में किस तरह से साउंड करते हैं और किस तरह से इसका लो लेटेंसी परफॉर्म करता है वो हम कुछ इस तरह से स्टीरियो माइक्रोफोन का यूज करके आपको बताने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको जो क्वाड माइक सेटअप मिलता है उसकी जो कॉल क्वालिटी कैसा है वो भी चेक किया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले ये टीडीओएस की केस की बात करें तो दोस्तों ऊपर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देने को मिल जाएगा जिसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्लास फिनिशिंग देने को मिलेगा, नहीं तो बाकी जो टीडीओएस की केस है ये को कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ देने को मिलता है। एक छोटा सा LED इंडिकेटर लाइट है, नीचे आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देने को मिल जाएगा। और इसकी हिंस की क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से ये अच्छा है, मैग्नेट इसके अच्छे हैं, लूज थोड़ा सा लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि दिस इज मैनेजेबल। बाकी अंदर आपको इनके ईयरबड्स देने को मिल जाएंगे और ये ईयरबड्स की डिजाइन में आप देख सकते हो 45 डिग्री एंगल करके हैं जिस वजह से दोस्तों ये कानों में बहुत सही तरीके से फिट बैठेंगे, इन ईयर टाइप के ईयरबड्स है और ये लाइट वेट है तो दोस्तों इसको आप लंबे समय तक भी पहन सकते हो। और ये टीडीओएस के टच कंट्रोल्स की बात करें दोस्तों इस पे आपको सारे जरूरी टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे गाना को प्ले पॉज करना होगा, नेक्स्ट प्रीवियस करना होगा या फिर कॉल आने पर कॉल को आंसर रिजेक्ट करना होगा, ये सारी चीज बड़े आसानी से हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये टीडीओएस को यूज करके आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इस पे आपको जो बीस्ट मोड मिलता है इसको एक्टिवेट करने के लिए इसकी जो राइट ईयरबड है इसको आपको कंटिन्यूसली 3 बार टैप करना होगा, उसके बाद एक अनाउंसमेंट होगा बीस्ट मोड करके। अगर आपको दोबारा से नॉर्मल मोड को स्विच करना होगा तो दोस्तों आपको बस यहाँ पे सिंपली इसको दोबारा से 3 बार टैप कर देना है, ये नॉर्मल मोड को आ जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस पे आपको वॉइस कंट्रोल का भी सपोर्ट देने को मिलेगा और इसलिए आपको कोई भी ईयरबड्स को बस 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपका जो फोन में वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देने को मिलता है, साथ में दोस्तों इस पे आपको जो इंस्टेंट वेक एंड पेयरबल टेक्नोलॉजी मिलता है जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको अलग से अपने ईयरबड्स को बाहर निकालना नहीं पड़ता है, ये तुरंत अपने लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे अगर इसकी ढक्कन को आप ओपन करते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको SBC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोडेक AAC का भी सपोर्ट देने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको जो 13 mm की ड्राइवर्स मिलता है दोस्तों वो एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं जल्दी से उसका भी अभी टेस्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इसके म्यूजिक क्वालिटी के बारे में।
तो ये टीडीएमएस के साउंड कार्ड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको बेस काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, हैवी बेस है, जिसको भाई बेस पसंद है उनके लिए ये पर्टिकुलर टीडीएमएस काफी अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको वॉइस में भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, लेकिन जैसे आपको पता है कि बोट के ऑलमोस्ट सारे टीडीएमएस में बेस हैवी होने के वजह से वो थोड़ा सा दबा दबा सा लगता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है आपको मैं कहूंगा कि प्राइस के हिसाब से अच्छा है, और लाउडनेस आपको ये टीडीएमएस की काफी बढ़िया देने को मिल जाएगा, और 100% में आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देने को नहीं मिलता। सो डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से इसकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है ये आपको अच्छा देने को मिलेगा, आप इसको म्यूजिक के लिए कंसिडर कर सकते हो। बाकी कैसा इसका क्वाड माइक सेटअप काम करता है, कैसे इसकी ENS टेक्नोलॉजी काम करता है कॉलिंग के दौरान, वो भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में। तो अभी आप जैसे देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रैफिक नॉइस को फुल वॉल्यूम के साथ प्ले किया है, और ये सिचुएशन में अगर आप ये बोट एयरडॉप 200 प्लस के साथ किसी से बात करते हो तो दोस्तों जो कॉल क्वालिटी है कुछ इस तरह से सुनाई देगा, और इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा ये बोट एयरडॉप 200 प्लस की कॉल क्वालिटी के बारे में। सो कॉलिंग के मामले में दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बोट एक्चुअली अभी के टाइम में अपने कॉलिंग को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, और इसलिए दोस्तों आपको जो कॉल क्वालिटी काफी अच्छा मिलता है, खास करके जो नॉइज कैंसलेशन ENS टेक्नोलॉजी की वजह से आपको काफी अच्छा सुनाई दिया होगा। बैकग्राउंड की नॉइज मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ड्यूरिंग कॉल बिल्कुल सुनाई नहीं दिया होगा। सो डेफिनेटली कॉलिंग के लिए ये जो बोट एयरडॉप 200 प्लस है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी रहा इसकी गेमिंग लो लेटेंसी कैसा है वो भी चेक करते हैं और आपको बताते हैं इसके लो लेटेंसी के बारे में। तभी आपने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट ये पर्टिकुलर TWS बोर्ड एडॉप 200 प्लस का तो देख चुके होंगे, और दोस्तों यहाँ पे जो लो लेटेंसी है ये भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी के टाइम में 40-45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको जो 50 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मिलता है ये अच्छा परफॉर्म करता है ड्यूरिंग गेमिंग, आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको गेमिंग नहीं करना है दोस्तों, जैसे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, ये फीचर को यूज करके आप मूवी या फिर कोई वीडियो देखोगे तो आपको वो वीडियो और ऑडियो में ज्यादा लैग देने को नहीं मिलेगा, तो ये फीचर को जरूर से उस टाइम में यूज कर लेना। ओवरऑल 1000 रुपए के लिए ये मुझे कंप्लीट पैकेज लगा, जहां पे आपको अच्छा म्यूजिक क्वालिटी मिलता है, बैटरी लाइफ भाई बहुत अच्छा है, 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, साथ में आपको कॉलिंग और गेमिंग लेटेंसी भी काफी बढ़िया मिल जाता है। तो 1000 रुपए के लिए ये एक रेकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद सकते हो। इसको जो खरीदने का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। बाकी और कोई जानकारी अगर ये टीडीएमएस के बारे में अगर आपको जानना होगा या फिर कोई कंपैरिजन देखना होगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा इसका कोई डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो लाने के लिए। बाकी आज के वीडियो बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।